हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सो नाउ डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, वो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट भी हो सकता है, वो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, या फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड किया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्वड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जैसे आपका 25 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे आपका जो वहां पे सॉल्वेंट है वो जितना भी सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अब वो जितना भी उसने डिसॉल्व कर लिया है इस टेम्परेचर पे, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस डिसॉल्यूशन के बाद अब वो और सॉल्यूट को अपने अंदर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर आपने मान लीजिए एक वाटर लिया है और इसके अंदर आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आप करी जा रहे हैं, आपका सॉल्ट मिक्स हुआ जा रहा है। अब इसी टेम्परेचर पे एक ऐसा पॉइंट भी अब आएगा जब आप और सॉल्ट को ऐड करेंगे तो वो अब डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब अब क्या हुआ, अब आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड। वो कहेगा भाई अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं और सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करूं। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो इस टेम्परेचर पे जितना अमाउंट ऑफ आपका जो सॉल्यूट प्रेजेंट है इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। फिर आता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और यू कैन से सॉल्यूट है दैट इज कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आपने ये बीकर लिया, ये वाटर है, आपने सॉल्ट ऐड किया, मिक्स किया, सॉल्ट हो गया। अभी क्या हुआ कि आपने फिर सॉल्ट ऐड किया, वो फिर मिक्स हो गया। इसका मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड था। तो अनसैचुरेशन की वजह से वो और सॉल्ट आप डालते जाइए, वो मिक्स होता जाएगा। अब जब एक इसी टेम्परेचर पे ऐसा पॉइंट आएगा कि अब नहीं डल रहा सॉल्ट, तो अब जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट have different solubilities at the same temperature. तो एक particular temperature पे आपने को क्या दिया गया है कि आपको water ही as a solvent दिया गया है और different different substances है, जैसे कि salt है, sugar है, copper sulfate है, KMnO4 है। तो इन सब के जो solubility है एक particular temperature पे क्या होगी, वो भी different होगी। So now the concentration of solution, वो क्या होता है? Concentration of solution, it is the amount of solute that is present in a given amount of solution or the amount of solute that is dissolved in a given mass or volume of solvent, usko hum kahenge concentration of solution. So concentration of solution kya ho gaya? Amount of solute upon amount of solution or amount of solute upon amount of solvent. To usko hum kahenge concentration. So there are different ways of expressing the concentration. जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाय मास में क्या होता है, यू टेक द मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आपको मास बाय मास परसेंटेज जो है सॉल्यूशन की वो मिल जाएगी कि कितना आपका जो मास के टर्म्स में कितना जो आपका यहाँ पे कंसेंट्रेशन है वो प्रेजेंट है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लें तो वो क्या हो गई कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको कहेंगे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब आपने 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट जो है वो 320 ग्राम ऑफ वाटर में आपने एड किया है एंड यू मेड अ सॉल्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम।
to give you 360 gram. So now mass percentage of solution will be mass of solute upon mass of solution into 100. So mass of solute is 40, mass of solution is 360 into 100, and upon solving you will get the 11.1% mass by mass percentage of the solution. So is tarike se direct formula based question tha ye, and it was very simple. Thank you.